गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपके मेरे स्नेह ब्लॉग में। आज आपका भाई बहुत टाइम बाद ब्लॉग कर रहा है, तो आज का हमारा ब्लॉग है, हम जाने वाले हैं कैची धाम। अभी गाइस हम निकल रहे हैं, हम तुम्हें आधे रास्ते से मिलते हैं। मेरे ब्लॉग को देखो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं आधे रास्ते। तो अभी यहाँ पर हल्का जाम लग रहा है, बस हम दो साथ में जा रहे हैं, मैं मेरा छोटा भाई। आज हमारा ब्लॉग में मूड था कि बहुत टाइम बाद कैची धाम जाए, पर जाने का रास्ता हमारा मेन रोड ही वही था, पर कभी जाने का हुआ नहीं। आज एकदम से ख्याल आया कि हल्द्वानी को जा रहे हैं, कैची धाम भी हुआ है, इसलिए आज हम कैची धाम होने के लिए निकल गए हैं। तो गाइस यहाँ से भी कैची धाम है 12 किलोमीटर, बाकी हम जा रहे हैं स्प्लेंडर साहब। तुम नज़ारों का थोड़ा मजा लो, कमेंट में ये बताना भाई कि कैची धाम कौन कौन आया, कमेंट करके बताना आज तक कौन कौन कैची धाम घूमा मेरा ब्लॉग, जो भी जहाँ जहाँ से देख रहे हो सब लोग बताना मुझे। बस ये है यार भाई, लोग थोड़ा संघर्ष तुम्हें भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा अपने भाई को ऊपर उठाने के लिए। बाकी यार भाई ऐसी है, आज कैची धाम जा रहे हैं। कैची धाम के बाद हम कैची धाम के दर्शन वर्शन करके, नीम करौली बाबा के दर्शन करके हम वहाँ से निकलेंगे हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी से हम जाएंगे रुद्रपुर। बीच में भी हमें हल्द्वानी में एक क्यूट गर्ल से भी मिलना है, क्यूट गर्ल की शक्ल नहीं दिखाएंगे हम आपको। बस कमेंट करके बताना कोई क्यूट गर्ल को जानता होगा तो, क्यूट गर्ल का कमेंट करके नाम बताना हमें कि कौन है करके बताना, आर्यन भाई ये है करके कमेंट यही मारना। यहाँ हमें आज जाम नहीं मिलना चाहिए यार, बारिश का मौसम था, रानीखेत में तो बहुत बारिश हुई थी, पर इधर को ज़्यादा हुई नहीं है। आप देख ही रहोगे रोड गीली है, नहीं तो समझ लो बारिश होगी नहीं ज़्यादा। भाई यही रोड दिक्कत लगती है मेरे को बहुत, ये रोड में मेरे को मज़ा नहीं आता, ये वाली में ये रोड पता नहीं सरकार क्या कर रही है, कब बनाएगी नहीं भी हो गया यार। जहाँ तक मेरे को पता है इसको साल 2-2.5 साल हो गया होगा इस रोड को, ऐसी काम हम कर नहीं रही हमारी सरकार। फंड वंड भिजवाओ करो ज़रा, रोड वोड सही कराओ, कितने हादसे होते हैं इस रोडों के चक्कर में। अब हमने तुम्हें वोट वोट दिया है तो थोड़ा यार पब्लिक की भी तो सुनो, अब तुम्हारी जनता रोड वोड ख़राब हो रही है, रोड वोड सही कराओ थोड़ा। मोदी जी तक का पहुँचाओ हमारा टेंडर, सीधे प्रधानमंत्री, छोटे मोटे लोग तो आजकल कोई सुनता है नहीं, इसलिए बड़े बड़े लोगों तक का पहुँचाओ कि रोड वोड सही कराओ भाई। अगर मैं बड़ा यूट्यूबर होता मैं करवा देता भाई, मेरे पास पैसा होता तो। बाकी आपको पता है आपके भाई के पास पैसा है नहीं, हाँ। नीम करौली बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, नीम करौली बाबा हमारी भी सुन लेना, हमें भी सक्सेस कर दो अपनी लाइफ में। बस गाइस यार जो व्यू आता है ना ऐसे पहाड़ों के रोडों में, मज़ा ही आता है उसे देख के। जो ये अल्टो वाला है भयंकर, बहुत ही खतरनाक चला रहा है, आगे से जो हमारा चल रहा है इसे दो बार हमसे पास लेते हुए लेते हुए।
नहीं पढ़ पाया। पहाड़ी लोग हैं, हम भी पहाड़ी हैं वैसे, पर टैक्सी वाले बहुत ही गंदे तरीके से गाड़ी चला रहे हैं यार। पास लेना होगा तो पहले हॉर्न दे, बगल पर आके हॉर्न दे, इसलिए थोड़ा डर लगता है इन रोडों में, इसलिए भी सही अपनी सुरक्षा अपने हाथों में, इसलिए हम अपनी अपनी लाइन में चल रहे हैं बस। बाकी क्या दिक्कत है, हम यहाँ पर से कैची धाम होगा ज़्यादा से ज़्यादा 500 मीटर समथिंग। ये पहुँच गए हम कैची धाम, ये है कैची धाम का गेट। हम इधर कहीं पे रुकेंगे, यहीं से अंदर जाएंगे ना भाई, हम भाई इधर कहीं पे लगाते हैं गाड़ी, मिलते तो मैं गाड़ी पार्क करके, पहले तो हम आगे जाके पार्क करेंगे। ये कैची धाम की मार्केट, वैसे तो मैं रास्ते से बहुत बार आया हूँ यार, कभी जाने का हुआ नहीं, बस आज हमने कहा हम कैची धाम हुआ थे। तो कैची धाम पर एनी टाइम भीड़ होती है यार बहुत ज़्यादा, आप देख लो कितना क्राउड है। तो इधर कहीं गाड़ी वाड़ी पार्क करते हैं अपनी, फिर चलते हैं नीम करौली बाबा के दर्शन करने, आपको सीधे मिलते हैं मंदिर पे गाइस। ये है मेन एंट्री, यहाँ से हम बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। पूरा व्यू ऐसा है, ये गेट भाई, ये अपना मंदिर। तो गाइस यहाँ से हम लेंगे दर्शन, ये है हमने बाबा जी का मंदिर नीम करौली बाबा, ये अंदर पूजा हो जाए। तो गाइस यहाँ से प्रसाद वरसाद मिलता है बाबा जी का, हमने नीम करौली बाबा के दर्शन करके हम फिलहाल निकल गए यहाँ से। हमको पता नहीं था कि यहाँ अंदर फ़ोन ले जाना मना है, वहाँ हमको कह रहा है एंकर कि फ़ोन वोन नहीं ले जाना है।